एक और पिक्चर जो देखी है, ये 2010 की मूवी है, ये भी नेटफ्लिक्स पे ओरिजिनल, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल नहीं है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, ये 30 जून के बाद अब नहीं अवेलेबल रहेगी। इसका नाम है इट्स काइंड ऑफ अ फनी स्टोरी। इसके अंदर जैक गिल्फैनाकिस जो भी है वो है, तो जो हैंगओवर में होता है, मेरे को लग रहा था नाम भी काफ़ी फ़नी है और पिक्चर भी काफ़ी फ़नी होगी, बट ये सेंसिबल पिक्चर है, फ़नी पिक्चर नहीं है। इसमें ऐसा है कि एक लड़का है, मतलब ठीक ठाक लाइट हार्टेड पिक्चर है, इसमें एक लड़का है जो कि 16-17 साल का है, टीनेजर है, ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट ब्रुकलिन ब्रिज वाइल स्लीपिंग वेयर ही इज गोइंग टू कमिट अ सुसाइड, ही इज गोइंग टू जंप फ्रॉम द ब्रिज। तो वहाँ पर उसको सपने में आते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं, उसकी सिस्टर आती है, ही डजंट जंप, तो ही मतलब वो ये सपना बहुत ज़्यादा देखता है, तो वट ही डज इज ही कॉल्स दिस हॉटलाइन नंबर एंड दे टोल्ड हिम दैट कम एंड सी अ डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर जाके ये अपने आप ही जाके कहता है कि आई वॉन्ट टू गेट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मुझे कुछ डिप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा हूँ मैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे जमा कर लो। बट वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों का वार्ड है वो सारा वो रेनोवेशन में चल रहा है, तो सारे टीनेजर्स जो हैं वो भी एडल्ट्स के साथ ही रखेंगे, तो इसको भी एडल्ट के साथ ही रहना पड़ेगा। तो ये जो है इस पर कमरा साइन हो जाता है, इस कमरे के अंदर एक इजिप्ट का बंदा रह रहा है, उसके साथ ये रह रहा है, और वहीं पर इसको मिलता है जैक गिलिफेनाकिस, शायद यही नाम है, जैक जो है उसको यहाँ पर मिलता है, और धीरे 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 ये आइडेंटिफाई करता है इसको, इसके प्रॉब्लम एरियाज क्या है। ये एक्चुअली मेरे को थोड़ा ना वैसे जो कैचर इन द राय जो थी वो भी एक बुक थी, मैंने पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा चली, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है वो, इतनी ज़्यादा फेमस बुक है कि वो भी ब्रिज की तरह है, जब हम बड़े हो रहे हैं और बड़े नहीं हुए हैं, हमारे अंदर टीनेजर्स के अंदर बच्चों वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा है और बड़ों की तरफ भी रुझान है, तो हम जो अपने आप को टीनेजर्स बीच में पाते हैं उसके ऊपर ही थी वो पिक्चर भी, तो मुझे उसके वो नॉवल भी इसके जैसा ही था, मैंने ये पढ़ा भी था। तो जॉन लिनन को जब किसी ने मारा था, वो थोड़ा ल्यूनेटिक था, वो वही किताब पढ़ रहा था, उसने पढ़ते पढ़ते मार दी था जॉन लिनन को, और उसके बाद उसने फिर से किताब रिज्यूम कर ली थी, तो बहुत इम्पैक्टफुल किताब थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को जाके मार दो, बट काफ़ी इम्पैक्टफुल थी ये किताब, मतलब अच्छी बुक थी। तो उसी की तरह ये भी मुझे ऐसी बताया कि ये जो लड़का हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है क्रेग, ये भी कभी अपने आप को, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश भी हैं कई, तो कई उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कई अपने ग्रेड से लेके मार्क्स से लेके, इसका फ्रेंड है वो ज़्यादा ओवर अचीवर है, तो उसके साथ अपने आप को कंपेयर करता है, उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसको पसंद करता है, तो वहाँ पर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ये नहीं जान पा रहा है कि मेरे को जहाँ एडमिशन लेनी है वहाँ एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको एनवायरमेंट की भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ये जाके, इसको लग रहा है मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट वो जब वहाँ जाके देखता है तो देखते हैं कि जो एडल्ट्स हैं यहाँ पे, जो इतने सारे लोग पागल मतलब इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ये इतनी ज़्यादा इसकी खास प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि नहीं मुझे अपने ऊपर काम करना है। वहाँ पर एक और टीनेजर लड़की भी है, उसके साथ थोड़ा ये अपना रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो जाता है, ड्राइंग इसने छोड़ दी होती है, ड्राइंग करता है, तो लाइट हार्टेड पिक्चर है। इसमें यह बताया है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जो पुश करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, वो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अपने आप को थोड़ा ईजी लेना है, लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी फन करो। इसके सपने थे कि मैं कभी ये करूँगा वो करूँगा, बहुत ज़्यादा बड़े मेंशन में रहूँगा, US का प्रेसिडेंट बन जाऊँगा, मल्टी मिलियनियर बन जाऊँगा, जैसे हर एक बच्चे के होते हैं कि मैं ये कर दूँगा वो कर, अपने आप को प्रेशराइज करके बैठा हुआ था, मगर अल्टीमेटली उन्होंने एंड में बताया कि मैं बस खुश रहूँगा, जो यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बनी है उसके साथ घूमूंगा, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता मैं यहाँ पर रुकाऊँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, बट यह कि मुझे उनके साथ जूझने की जो क्षमता चाहिए अपने अंदर, जो मुझे लगता है कि मैं जूझ सकता हूँ, वो मुझे शक्ति जो चाहिए वो शक्ति मेरे को मिल गई है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब जितना हो पाएगा खुशी खुशी हो पाए, यही लाइफ का मोटिव होना चाहिए, और उसी के ऊपर ये पूरी पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, क्यूट पिक्चर है, देखी जा सकती है। मेरी रेटिंग वुड बी 7.5 आउट ऑफ 10, तो मुझे तो अच्छी लगी पिक्चर।